बहस्ती बैठे हैं जिसमें सभी जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए अगर यीशु माझी नहीं अगर यीशु माझी नहीं चाल आए तूफान आए घबराए दिल ये मेरा तू चाल आए तूफान आए घबराए दिल ये मेरा यीशु बनेगा तेरा सहारा आजमा ले तू उसको जरा आजमा ले तू उसको जरा जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए अगर यीशु माझी अगर यीशु माझी नहीं रास्ता कठिन और लंबा सफर हो छाया हो अंधियारा रास्ता कठिन और लंबा सफर हो छाया हो अंधियारा यीशु ही है जो पार लगाए पहुंचाएगा वो पहुंचाएगा वो किनारा जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए अगर यीशु माझी नहीं अगर यीशु माझी नहीं अगर यीशु माझी नहीं आप सभी दर्शकों का उप चैनल में स्वागत है आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार आज हम परमेश्वर के वचन में से एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखेंगे उस घर के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े भवन बनाए हैं ऐसे ही एक राजा था जब वो इसराइल पर राज करने लगा राजकाज उसके हाथ में आया तो उसने भी बहुत सुंदर भवन बनाया उसके बारे में बताया जाता है परमेश्वर के वचन में इसका वर्णन दिया गया है कि जब वो राजा बना तो उसने वो काम किए जिससे परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हुआ और जब परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ तो परमेश्वर ने उससे कहा मांग तू क्या मांगता है
जो तू मांगेगा वो मैं तेरे लिए करूंगा। और प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने कहा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। प्रभु ने उससे कहा जो चीज तूने मांगी है वो बहुत कीमती है, और इसके अतिरिक्त जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दूंगा। हम जानते हैं कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं, अगर ऐसी चीज हमारे सामने आए और कोई हमें कहे कि आप कुछ मांगो तो हम क्या मांगेंगे, हम जानते हैं कि सबके मन में एक ही भावना होगी कि हमें काश हमें धन दौलत जमीन या दूसरी चीज़ें मिल जाए। लेकिन ये चीज़ें उसके मन में बिल्कुल भी नहीं थी। वो सिर्फ उसने एक चीज़ मांगी थी और ये क्या कि परमेश्वर मैं नहीं जानता कि इतने बड़े राज को कैसे चलाऊं, तो मुझे समझ बुद्धि और ज्ञान दे ताकि मैं अपनी प्रजा को का न्याय कर सकूं, उनकी देखभाल कर सकूं। इस राजा के बारे में बताया जाता है कि इसने परमेश्वर के भवन को बनाया, और जो परमेश्वर का भवन इसने बनाया वो बहुत ही कीमती था, और उसके लिए इसने बहुत दूर से वो सारा सामान मंगवाया। बताया जाता है कि जब इसने भवन बनाया इसके पास इतनी धन संपत्ति सोना चांदी था कि उनका हिसाब तक नहीं था, और इसने वो सब चीज़ें वहाँ पे प्रयोग में लाई। और जब वो भवन बन के तैयार हुआ तो दूर दूर से लोग ये देखने के लिए आते थे कि वो कैसा भवन है जो राजा सुलेमान ने बनाया है, और जब उसको देखते थे तो जा कर के दूसरे लोगों को बताते थे कि राजा सुलेमान ने किस प्रकार का भवन बनाया है। बताया जाता है कि एक बार शीबा की रानी जब उसे मालूम पड़ा कि सुलेमान ने इस प्रकार से भवन बनाया, तो वो खुद उसके बारे में सुन करके उससे मिलने के लिए आई। और जब वो उससे मिलने के लिए आई तो उसने देखा कि कितना सुंदर भवन है जो सुलेमान ने बनाया है, कैसे उसके द्वारपाल खड़े रहते हैं और कैसी वो जगह है, कितनी सुंदर है जो उसने बनाई है। उसने देखा कि जहाँ वो महल है, जो भवन है, हर एक चीज़ जो उसने बनाई थी, उसके चारों तरफ सुंदर वृक्ष, हर एक चीज़ लगी हुई थी। और जब उसने इस सारी सुंदरता को, इन चीज़ों को देखा, तो उसने कहा कि जो कुछ मैंने राजा सुलेमान के बारे में सुना था, ये सब चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु ने, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हमसे भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा वादा किया हुआ है। इस दुनिया में रहते हुए हम भी घर बनाना चाहते हैं, हम भी उन घरों में रहना चाहते हैं, लेकिन वो घर कितने दिन के लिए होता है? आप जानते हैं इंसान की आयु पाप के कारण कितनी कम हो गई है, कितना समय उसके पास है कि वह अपने आप को उन मकानों को बनाकर खुश कर सके या उसमें सुखी महसूस कर सके। हम देखते हैं आज जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते हैं, उसमें वो व्यक्ति कितने साल रहता है, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल या 80 साल, और उसके बाद वो इस दुनिया का सफ़र पूरा करके चला जाता है। उसके बाद उसका बेटा इस दुनिया में रहता है, वो भी कितने समय तक रह पाता है? बहुत कम समय तक वो इस दुनिया में रह पाता है, और वो भी अपना सफ़र पूरा करके चला जाता है। ये सफ़र इसी प्रकार चलता है। लोग घरों के लिए लड़ते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कितना समय उनको इस दुनिया में रहना है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा हमसे किया था, और अगर आप उस वादे के बारे में परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए वादा किया था, और वो क्या वादा था, जो यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 1-3 आयत में लिखा है। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर तुम्हें ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रह सको। यह परमेश्वर के वचन में बड़ी अच्छी चीज़ है। ये वो वादा है जो परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों से किया है। ये इंसान की तरह, इनका इंसान के बनाए हुए घरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं है।
ये चीज बिल्कुल भिन्न है। प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया है वो उनसे है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं? यदि आप विश्वास रखते हैं तो आप उसके आने का इंतजार भी जरूर करेंगे, क्योंकि ये सब वादा एक दो के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और जब वो तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें आकर के ले जाऊँगा। कितना सुंदर वादा है जो परमेश्वर ने हमसे किया है, और वो कभी नहीं चाहता कि हम इस दुख भरी दुनिया में रहें। इसीलिए उसने कहा कि जब वो जगह तैयार होगी तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रह सको। प्यारे शब्दों में प्रभु का वचन इसके बारे में बताता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई कि एक लड़का था, वो समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ था। तो एक व्यक्ति ने उसको देखा कि बारिश हो रही है और वो लड़का बारिश में खड़ा हुआ है, और समुद्र की लहरें आती है उसके पांव तक पहुंचती है, उसे छू करके वापस जाती है। तो उसने कहा कि बेटे बारिश हो रही है, आप क्यों भीग रहे हो? पीछे जाओ और जा करके दूर खड़े हो जाओ, आप क्यों खड़े हो? तो वो कहने लगा मेरे पिताजी मछली पकड़ने गए हैं, वो किश्ती में गए हैं और उन्होंने कहा है मैं जरूर जल्दी वापस लौट के आऊँगा, इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उसने कहा बेटे बारिश हो रही है आप जाओ, लेकिन वो लड़का एक पेड़ से दूसरे पेड़ के नीचे चला गया लेकिन घर बिल्कुल भी नहीं गया। और उसके बाद बारिश जब तेज़ होती रही तो वो व्यक्ति देखता रहा कि ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा अब जब पानी बढ़ रहा है, समुद्र की लहरें उठ रही है और बारिश जो है वो तेज़ हो रही है। तो उसके बाद फिर वो दोबारा उस बच्चे के पास गया, कहते बेटे आप घर जाओ, लेकिन उसने यही जवाब दिया कि नहीं मेरे पिताजी ने वादा किया है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। और उसके बाद वो बच्चा इंतज़ार करता रहा, अंधेरा बढ़ने लगा और वो व्यक्ति भी छिप करके देख रहा था कि जब अंधेरा बढ़ रहा है ये बच्चा क्या करेगा। और वो बच्चा उसी स्थिति में वहीं पे पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था। उसे भय नहीं था कि अंधेरा हो रहा है या कोई और बात है। और उसके बाद उसने देखा कि कुछ देर के बाद जब अंधेरा बढ़ गया तो बच्चा जो है वो अगले पेड़ के पास चला गया जो बिल्कुल समुद्र के साथ था, लेकिन वो अपने घर की तरफ नहीं गया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक किश्ती जो है वो समुद्र की तरफ बढ़ रही है, और जब वो समुद्र की तरफ बढ़ी उसमें से एक व्यक्ति उतरा तो उस लड़के ने आवाज़ दी कि पिताजी, और जैसे उन्होंने आवाज़ सुनी तो उन्होंने यही कहा बेटे आप घर नहीं गए, मुझे तो देर हो गई थी और मैं यही सोच रहा था कि तुम चले गए होंगे। लेकिन बेटे ने क्या कहा, नहीं पिताजी आपने कहा था मैं जल्द आऊँगा इसलिए मैं आपका इंतज़ार कर रहा था और मैं घर नहीं गया। यह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे भी यही वादा किया है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं आके तुम्हें ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रह सको। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम इस पाप की दुनिया में, पाप के सागर में, परेशानियों में और दुखों में डूबे रहें, बल्कि वह हमें उस स्थान पर ले जाना चाहता है जहाँ ना दुख है, ना बीमारी है, ना परेशानी है, ना परीक्षा है। और ऐसे घर में वो ले जाना चाहता है जो उसने हमारे लिए बनाया, जिसका उसने हमसे वादा किया है। परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें कि वो कौन सी जगह है, क्या वो जगह, हमारे मन में कई बार सवाल पैदा होता है कि क्या परमेश्वर इसी दुनिया के किसी हिस्से में उस घर को बना रहा है, उस जगह को हमारे लिए तैयार कर रहा है, वो कैसी जगह है और कौन लोग वहाँ होंगे। बहुत से सवाल हमारे मन में इसके बारे में आते हैं। तो परमेश्वर के वचन में साफ बताया गया है कि वो कहाँ पे जगह है। अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65 अध्याय और उसकी 17 आयत अगर आप निकालें, इसमें साफ शब्दों में प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और वे सोच विचार में भी ना आएंगी। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाता हूँ। कहने का मतलब यह है, प्रभु का वचन साफ कह रहा है कि इस दुनिया में वो घर नहीं है जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए बना रहा है, क्योंकि ये दुनिया तो बहुत जल्द जाने वाली है। हम जानते हैं कि एक मासूम बालक जो हमारे घर में आज जन्म लेता है, जब वो 1 साल का होता है तो हम खुशी मनाते हैं कि वो बालक 1 साल का हो गया। जब वो 5 साल का होता है हम खुशी मनाते हैं आज 5 साल का हो गया, उसका जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जैसे ही वो इस दुनिया में आया, यदि वो 1 साल का हो गया तो 1 साल उसके जीवन में कम हो गया, जब वो 5 साल का हो गया तो उसके जीवन में से 5 साल कट गए।
हम जानते हैं ये पाप की दुनिया है और जब हम यहाँ आते हैं तो बहुत कम समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से हमें जाना है। हमारी आंखें हमेशा उस घर की तरफ लगी रहनी चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस दुनिया से हट करके परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखों को लगा के रखें और अपने आप को उस घर में रहने के लिए तैयार करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। स्वर्ग के बारे में कौन व्यक्ति जानता है और कौन उसके बारे में हमें बता सकता है कि स्वर्ग कैसा है, कैसी जगह में परमेश्वर ने घर बनाया, कौन जानता है? जब हम किसी व्यक्ति से पूछें तो लोग हमेशा हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि स्वर्ग ऐसा है ऐसा है, या कई लोग क्या कहते हैं कि किसने स्वर्ग देखा है, इसलिए जो आप चाहते हो करो, किसी ने नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि स्वर्ग कैसी जगह है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं और कौन लोग वहाँ पे जा सकते हैं। प्रभु के वचन में बड़े साफ शब्दों में लिखा है, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसकी 16 आयत अगर आप निकालो, इसमें बड़े साफ शब्दों में प्रभु के वचन में इसमें बताया गया है कि स्वर्ग कैसी चीज़ है, कैसी जगह है, हमें कहाँ जाना है और कितना लंबा वो शहर है जहाँ परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। इसमें लिखा है, वो नगर चकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। वो शहर के बारे में बताया जाता है कि वो शहर कैसा है, वो चकोर बसा हुआ है और उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। परमेश्वर के वचन में और भी चीज़ें हैं, उसमें कैसी सड़क है, प्रभु का वचन बताता है जो उसमें सड़क है वो सोने की है, और उसमें जो शहर है उसके जो दरवाजे हैं वो मोती के बने हुए हैं। जब इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो ऐसा शहर है, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उतर जाती है कि जिस शहर में सोने की सड़कें होगी और वो शहर शीशे के समान साफ होगा तो कैसा वो शहर होगा। हम जान सकते हैं परमेश्वर ने हमें ये इस चीज़ लिए बताया अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा ताकि हम भविष्य में होने वाली चीज़ों को याद रखें और उस इनाम को याद रखें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है कि वो कैसा है। यदि हम स्वर्ग के बारे में जानते ही नहीं हैं तो हम जाने के बारे में कैसे सोचेंगे। जब परमेश्वर ने हमें सब चीज़ें हमारे सामने खोल के रख दी तो वो यही चाहता है कि हम उन चीज़ों को देखते हुए एक एक कदम करके अपने मार्ग पर प्रभु के पीछे चलते रहें और ज़रा सा भी हम प्रभु से दूर ना हो। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के घर में जहाँ परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है वह हर एक चीज़ भिन्न होगी, वह इस दुनिया की तरह नहीं होगी। एक छोटी सी कहानी याद आई कि एक आदमी था, वो किसी खेत में काम कर रहा था और उसने देखा शाम के समय कि किसी ने मेरी फसल जो है वो आकर के चुग ली है, और जब उसने देखा कि फसल चुग ली है तो वो बड़ा परेशान हुआ कि किसने मेरी फसल खाई, और रात को उसने फैसला किया कि मैं चौकीदारी करूँगा। और बताया जाता है उसने देखा कि एक गाय जो है वो आई और वो फसल चुगने लगी, तो जल्दी से उसने उसकी टांग को पकड़ लिया कि ये भाग ना जाए, और जैसे उसने पकड़ा उसने कहा मैं इसको बांध दूंगा, तो वो गाय उड़ने लगी। धीरे धीरे वो गाय जो है ऊपर उड़ती गई और वो गाय उसको स्वर्ग में ले गई, और जब वो स्वर्ग में गया तो वहाँ उसने क्या देखा कि वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। और उसके बाद वो आदमी ने जो था वो इंतज़ार करने लगा, उसे बताया गया कि ये गाय वापिस जाएगी, फिर उसने टांग पकड़ी, फिर वो वापिस आ गया। और उसके बाद जब वो घर आया तो उसने अपनी पत्नी को सारा हाल बताया, तो उसने कहा कि आप तो स्वर्ग देख करके आए हैं, हमें भी वहाँ पे ले चलो। वो बहुत तंग करने लगी, उसने कहा अच्छा आज रात को फिर वो गाय आएगी और मैं क्या करूँगा, उसकी टांग पकड़ूंगा, तो आप भी क्या करना मेरी टांग पकड़ लेना। और उन्होंने ऐसे किया कि जैसे वो रात को फिर गाय आई उसने उसकी टांग पकड़ी और दूसरे उसकी पत्नी ने उसकी टांग पकड़ी, और उसके बाद वो गाय धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। लेकिन रास्ते में चल करके उसकी पत्नी जो थी वो कहने लगी जब गाय उड़ रही थी कि आप मुझे बताओ वह कितने बड़े बड़े फल हैं, कैसे फल हैं। और जब उसने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा आप चल करके देख लेना, तो वो कहने लगी अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं अपना हाथ छोड़ दूंगी। उसने कहा अगर ये हाथ छोड़ेगी तो ये मर जाएगी। तो उसने क्या किया बताने के लिए, जैसे ही अपने हाथ को खोला कि इतने बड़े बड़े फल वहाँ पे है, उसका हाथ छूट गया और वो गिर गया। ये एक सपना था जो उसने देखा था स्वर्ग के बारे में, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है, एक साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है, सपना नहीं बल्कि सच्ची तस्वीर कि स्वर्ग कैसा है।
और हमें कैसे वहाँ जाने की तैयारी करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए वहाँ पे रखी हुई है। परमेश्वर के वचन में एक और बड़ी सी चीज़ है जो मेरे और आपके लिए इसमें दी गई है, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय अगर हम 2 आयत देखें, इसमें लिखा है कि नदी के इस पार जीवन का पेड़ था और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि कैसा वो शहर है, वहाँ पे कैसी सड़कें हैं और वहाँ पे खाने का क्या इंतजाम है। प्रभु का वचन कहता है वहाँ पे पेड़ हैं और वहाँ ऐसा पेड़ है जिसमें हर महीने फल लगते हैं और हर प्रकार के फल उसमें हैं। प्रभु का वचन साफ कहता है आज हमारे सामने जब ऐसी चीज़ों की समस्या उत्पन्न होती है, हम बिना सीजन के किसी फल को ढूंढने लगें तो वह हमें नहीं मिलता या बहुत अधिक कीमत में मिलता है, लेकिन स्वर्ग के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ वो सब चीज़ें मौजूद है जो इंसान के मन में भी नहीं आती। और उसके बाद परमेश्वर का वचन साफ कहता है वहाँ कोई भी बीमार व्यक्ति जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वो जो पेड़ है, उसका वृक्ष है, उसके पत्ते क्या है, दवाई का काम करेंगे। और परमेश्वर के वचन में एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें बताती है कि क्या स्वर्ग में जा करके हमें दोबारा पृथ्वी की याद आएगी, क्या हम उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे या उन दुखों के बारे में सोचेंगे जो हमारे जीवन में हुए, जिनको हमने भोगा है, जो परेशानियां हमारे जीवन में आई है, क्या वो हमें याद आएगी। प्रभु के वचन प्रकाशित वाक्य और उसकी 21 आयत की 27 आयत में लिखा है उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ के चाहने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो घृणित है, अपवित्र है, और ना ही ऐसे सोच और विचार जो हमें व्याकुल कर देते हैं हमारे मन में आएंगे। कोई भी घृणित चीज़ का मतलब ये है कि ऐसा काम करने वाला वहाँ नहीं होगा। एक बार की बात है, एक पास्टर अपने चर्च में स्वर्ग के बारे में बता रहे थे और बता रहे थे कि स्वर्ग कैसी जगह है, और जब उन्होंने बताया कि वहाँ पे सोने की सड़कें, तो एक जो मेंबर था वो कहने लगा कि पादरी साहब अगर स्वर्ग ऐसी जगह है तो मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगा। तो उन्होंने पूछा अगर आप वहाँ जाना चाहोगे तो जाकर के आप क्या करोगे सबसे पहले। कहते मैं तो इसलिए जाना चाहूँगा ताकि वहाँ से सोना खोद करके लाऊँ। यदि हमारे मन में यही भावना है, यही लालच है और इसीलिए हम इस मार्ग पर चल रहे हैं तो शायद वह हम कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि या वहाँ पे ना घृणित काम करने वाला, ना ऐसे विचारों वाला व्यक्ति कोई भी वहाँ पे नहीं जा सकता और ना ही वह हमें जाने की इच्छा रखनी चाहिए यदि यही भावना है, ये चीज़ें हमारे मन में है। परमेश्वर के वचन में एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जो परमेश्वर ने बनाई है ये किसके लिए है, किन लोगों के लिए ये चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने बनाई है। सोने की सड़कें, मोती के दरवाजे, कौन लोग हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे, कैसे वो जाएंगे। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसकी अगर आप 7 आयत पढ़ें, उसमें लिखा है जो जय पाएगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। प्रभु का वचन साफ कहता है जो जय पाएगा, जो इस संसार पर विजय हासिल करेगा, जो आगे बढ़ता जाएगा, अपने कदमों को नहीं मोड़ेगा, जो परमेश्वर के साथ चलेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, वही जो है वो उस शहर में जाएगा। आज जब हम इस दुनिया में रहते हैं जिसमें चारों तरफ पाप, बुराइयां, कपट, ये सब चीज़ें नजर आती है, इस पाप की दुनिया से निकलने के लिए मैं क्या करूं कि मैं स्वर्ग में प्रवेश पा सकूं। प्रभु के वचन में बड़ा साफ लिखा है अगर आप 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 9 आयत देखो, इसमें लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बड़ी से साफ शब्दों में इसके बारे में कहता है कि परमेश्वर, यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के घर में जाएं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने अपराधों को मानना है। यदि हम अपने अपराधों को मानेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, तो हम अपना स्थान स्वर्ग में बना सकते हैं। यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ जो परमेश्वर के वचन में दी गई है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सारा जीवन पाप में बिता दिया, वो लोगों को मारता था, लूटता था और जान से मार देता था, ऐसा व्यक्ति जब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसे भी स्वर्ग में जाने का मौका मिला। आप जानते हैं वो व्यक्ति कौन था, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए, एक डाकू था जो उनके साथ में चढ़ाया गया था।
और उसने क्या शब्द कहे थे कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी स्मरण करना। वो जानता था, उसने अपनी गलती को माना था, उसने पश्चाताप किया था कि मैंने जीवन में पाप किया है, लेकिन प्रभु इस समय मैं क्या करता हूँ, अपनी गलती मानता हूँ। तो परमेश्वर ने क्या करा, उसके पापों को माफ़ किया और उससे ये वादा किया था, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक पे होगा। जीवन को यदि हम सफल बनाना चाहते हैं, सचमुच में चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो और हम स्वर्ग में जाएं, तो हम लोग क्या करें। अगर आप मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी अगर आप 33 आयत पढ़ें, इसमें साफ शब्दों में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अगर हम चाहते हैं हम स्वर्ग में जाएं, तो सबसे पहले दुनिया के बुरे कामों को छोड़ करके, त्याग करके, पश्चाताप करके हमें उसके वचन की खोज करनी है। यदि हम परमेश्वर के वचन की खोज करेंगे तो बाकी सब चीज़ें, जब हम उसके राज्य की खोज करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है बाकी सब चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया में लोग परमेश्वर के वचन को बाद में ढूंढते हैं, सबसे पहले वो दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, जबकि प्रभु का वचन क्या कहता है, सबसे पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। हमें धर्म को ढूंढना है, जब हम धर्म को ढूंढेंगे, धर्म के साथ चलेंगे और उस बताए हुए मार्ग पे चलेंगे जो रास्ता हमें धर्म सिखाता है, तो सचमुच में हम परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। हम जानते हैं जो भी चीज़ें परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के द्वारा हमें दी वो हमारी भलाई के लिए, उसने स्वर्ग का नज़ारा हमारे सामने रख दिया ताकि हम अपने एम को, अपने गोल को, अपने टारगेट को अपने सामने रख करके बढ़ते जाएं। क्योंकि जब तक हमारे सामने हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट, हमारा गोल नहीं होगा तो हम कभी भी उसके पास तक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम सब के सब उसके राज्य में प्रवेश पाएं, इसीलिए उसने ये सारा नज़ारा जो स्वर्ग का है हमारे सामने खोल के रख दिया ताकि हमारे मन में कोई भी शंका ना हो और हम ये ना कहें कि किसने स्वर्ग देखा है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, इसलिए सब कुछ यहीं करो। प्रभु चाहता है कि हम लोग स्वर्ग में हो और वो कभी भी नहीं चाहता हम इस अंधकार में भटकते रहें, बल्कि ये चाहता है कि हम अपने आप को पूर्णतः तैयार करें और उसके घर में प्रवेश पाएं। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद करते समय के लिए, इस वचन के लिए जो तूने अपने नबियों के द्वारा हम तक पहुँचाया ताकि इस वचन की गहराई को हम समझ सकें और उन दर्शनों को, उन नज़ारों को देख सकें, उन चीज़ों को देख सकें जो तूने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार किए। प्रभु यीशु, तू हमें जोश और हिम्मत से भर ताकि हम पीछे ना मुड़ें, आगे बढ़ते जाएं और जो इनाम तूने रखा है उसको हासिल करें। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं।